हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का पूरा सोल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, 3.2 को अगर समझना है तो इससे पहले का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, और उसी पे आपका ये टॉपिक है, ये पूरा एक्सरसाइज है। तो मेरा राय में आप पूरा वीडियो पहले देखने से पहले आप एक बार ये इसके प्रीवियस लेक्चर को देखिए और फिर एक्सरसाइज का सोल्यूशन बनाइए। जहाँ भी फंसेगा तो आप देख के यहाँ से बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं 3.2 का। 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड तो हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो शुरू करते हैं 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 से। एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। बोला ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, चेक वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कॉन्साइड। मतलब वही तीन कंडीशन है कि आपका कॉन्साइड है, मतलब यूनिक सोल्यूशन है, कि इन्फाइनाइट सोल्यूशन है, कि नो सोल्यूशन है। इसका कंडीशन मैंने पहले लिखवा दिया है, तो यहाँ से देखते हैं। पहला इक्वेशन है 5x-4y+8=0 और एक है 7x+6y-9=0। अब यहाँ पर देखना है कि ये कौन सा सोल्यूशन देता है। तो पहले a1/a2 कितना है, 5/7। b1/b2 कितना है, -4/6। और आप c1/c2 भी निकाल दीजिए, 8/9। इसको थोड़ा काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा, -2/3। तो यहाँ पर देखिए आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये क्या सोल्यूशन देगा, ये देगा आपका यूनिक सोल्यूशन। तो लिख देंगे यूनिक सोल्यूशन, है ना। अगर ये a1/a2 b1/b2 बराबर होता तब c1/c2 पे जाते, लेकिन c1/c2 जाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहीं पर दोनों बराबर नहीं है, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि यूनिक सोल्यूशन है। और यूनिक सोल्यूशन है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बनेगा, अगर आगे पढ़ाऊंगा तो ये बनेगा उससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तुरंत हो जाएगा, बस आप लोग देखते रहिए और अपना आंसर मैच करते रहिए, आप लोग भी बनाए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि दूसरा दिया हुआ है 9x+3y+12=0 और यहाँ पर है 18x+6y+24=0। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा रहेगा डायरेक्ट देख के ही बोलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन है सर। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इसको 2 टाइम्स करोगे तो 9 2 18, 3 2 6 और 12 4 24, तो ये डायरेक्ट इसका ही सोल्यूशन है, यही चीज़ है, बस इसको 2 टाइम्स कर दिया गया। तो ये देखते ही बोल देना है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर MCQ रहेगा तो डायरेक्ट इसमें सॉल्व ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर कायदे से सॉल्व करने बोले तो करेंगे। a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 कितना है, 9/18, ये कितना आ जाएगा काट के, 1/2। फिर b1/b2 देखना है, b1/b2 कितना है, 3/6, ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। फिर c1/c2 देखना है, ये कितना आ जाएगा, 12/24, यानी ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 काट के। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2=b1/b2=c1/c2 है, तो ये क्या है, इन्फिनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। जब भी क्वेश्चन को नोट करो, आंसर को, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई 6x-3y+10=0 और एक है 2x-y
प्लस 9 इक्वल टू 0, ये चेक करना है कि कौन से सोल्यूशन ये देंगे। चेक करने के लिए वही a1 बाई a2 निकालिए, ये 6 बाई 2 यानी 3 बाई 1। फिर b1 बाई b2 कितना है, -3 बाई -1, साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर तो कट के 3 आ जाए है, लेकिन साइन के साथ रखेंगे। फिर यहाँ से देखिए c1 बाई c2 कितना है, 10 बाई 9। अब यहाँ पर गौर करो, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है। अब बराबर है तो अब चेक करेंगे कि क्या c1 बाई c2 भी बराबर है। अगर c1 बाई c2 बराबर है तो इन्फिनाइट, अगर बराबर नहीं है तो नो सोल्यूशन। यहाँ से देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो है, लेकिन ये c1 बाई c2 के बराबर तो नहीं है, तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ये नो सोल्यूशन है, या फिर डायरेक्ट बोलेंगे पैरेलल लाइंस, है ना जी, क्योंकि नो सोल्यूशन ही पैरेलल लाइंस देता है, ठीक है। ओके, पॉज कर लिए, वीडियो नोट कर लिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5 क्वेश्चन है। वही है कि आपको a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकाल के चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्वेश्चन है, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट में मतलब होना चाहिए, कंसिस्टेंट मतलब दोनों आ गया, यूनिक भी आ गया और इन्फिनाइट भी आ गया, तो दोनों के कंडीशंस आ गए इसमें। अनकंसिस्टेंट मतलब या इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। यहाँ पर दोनों के कंडीशन देखेंगे, तो बस आइए पहला देखते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ठीक है, ये इक्वल टू 5 इधर है। सबसे पहला बात, सबको इधर लाना होता है, ठीक है, तो आप इसको उठा के इधर ले आइएगा और आप इसको भी उठा के इधर ले आइएगा। अब लगाइए कोफिशियंट्स, तो लगाइए a1 बाई a2 बताइए, जो जाएगा 3 बाई 2। b1 बाई b2 बताइए, 2 बाई -3, देखो बराबर ही नहीं है। तो c1 बाई c2 चेक भी नहीं करेंगे, लेकिन चलो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ चेक करो a1 बाई a2, b1 बाई b2 तो बराबर है नहीं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो भाई ये क्या सा सोल्यूशन देगा, यूनिक देगा, यानी यूनिक में कंसिस्टेंट भी आ गया। यहाँ लिख देता हूँ कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट में भी यूनिक है ये। यूनिक को कौन साइड इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, दो लाइन का इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने से मतलब है, ठीक है, थोड़ा सा आज भर मैनेज करो, लाइटिंग का काम हो रहा है तो इसलिए आज थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, समझ में सब आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये है 2x-3y इक्वल टू 8, और एक है 4x-6y इक्वल टू 9। अब यहाँ पर बताइए, सबसे पहले इसको उठा के इधर लाएंगे, इधर आ जाएगा -8 इक्वल टू 0, इधर -9 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को चेक करना कि व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज दिस। तो a1 बाई a2 जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, 2 बाई 4, यानी कितना आ जाएगा, 1 बाई 2। b1 बाई b2 चेक कर लीजिए, ये जाएगा -3 बाई -6, कोफिशियंट को उठा कर रखना है, तो ये रहेगा कितना, 1 बाई 2। फिर c1 बाई c2 निकालिए, c1 बाई c2 निकालिएगा तो यह आ जाएगा कितना, -8 बाई -9, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 8 बाई 9।
अब बताइए यहाँ पर तो a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, लेकिन देखो c1 by c2 बराबर नहीं है, तो ये कौन सा सोल्यूशन देगा? नो सोल्यूशन देगा, यानी कि नो सोल्यूशन कौन सोल्यूशन होता है? इनकंसिस्टेंट देगा, क्वेश्चन के आंसर की भाषा में इनकंसिस्टेंट माना है, तो हम लोग को उसी की तरह से देना है आंसर। हो गया दूसरा क्वेश्चन भी, चलो आओ थर्ड क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एकदम है, इसलिए क्विकली हम लोग उसको बना लेंगे, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन में कुछ और निकालने के केसेस आएंगे उसमें भी देखेंगे कैसे करना है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y = 7 और ये 9x - 10y = 14। अब ये आपको चेक करने के लिए पहले बच्चे क्या कहते हैं एलसीएम ले लेते हैं, सब कुछ नहीं करना है, जो जैसे वैसे रहने दीजिए। इधर 0 ले आइए और इधर 0 ले आइए। अब इसके आगे ये कहानी वही a1/a2 फ्रैक्शन में है तो क्या दिक्कत है, 3/2 / 9 मिला कितना 3/2 × 9, यानी ये 3 से 3 कट गया, ये आ गया 1/3 × 6। फिर b1/b2 देखो यहाँ लिख रहा हूँ, b1/b2 कितना है 5/3 / -10, चेक करो -10, यानी आ जाएगा 5/3 × -10 -2, यानी आ जाएगा -1/6, ठीक है जी। अच्छा और यहाँ पर देखो c1/c2 भी चेक कर लो, -7/-14, माइनस माइनस कट गया 1/2 आ गया। अब बताइए a1/a2 व b1/b2 कहाँ बराबर है? बराबर तो है नहीं, जस्ट इसका माइनस साइन है तो बराबर तो है नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे कि नॉट इक्वल टू, ठीक है। c1/c2 पे तो आना भी नहीं है, क्योंकि a1/a2 b1/b2 अगर बराबर नहीं है डायरेक्ट बोलेंगे कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं, c1/c2 बराबर है, c1/c2 भी बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ना तो ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल तो है नहीं, यूनिक सोल्यूशन है तो हाँ यूनिक सोल्यूशन है। अच्छा c1/c2 की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, c1/c2 पे देखना ही नहीं है हमको, ठीक है। यह आ जाएगा कौन सा कंसिस्टेंट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला देखिए, तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर 5x - 3y = 11 और एक है -10x + 6y = -22। यहाँ से कैसे बनाएंगे उसको सर? पहले तो इसको उठा के इधर ले आइए, इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर लाइएगा तो ये +22 हो जाएगा, समझ गए ना। चलो a1/a2 बताओ, -π यहाँ पर 10, ये रहा कितना 1/-2, ठीक है। b1/b2 बताइए, ये रहा कितना -3/6, यानी -1/2, देखो बराबर है। अब चेक करेंगे c1/c2 कितना हो जाएगा -11/22, यानी ये भी आ जाएगा -½, सब बराबर है, यानी ये कौन सा सोल्यूशन है? पैरेलल सोल्यूशन है, यानी ये इनकंसिस्टेंट है, सॉरी पैरेलल नहीं है, इनफिनाइट है, यानी ये कंसिस्टेंट है, इनफिनाइट लिख दीजिए, इनफिनाइट सोल्यूशन और ये कंसिस्टेंट होती है ना जी। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का टर्म में आंसर मांगा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर फोर के बाद लास्ट क्वेश्चन ये फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है 3x + 2y = 5 और एक है 2x - 3y = 7। वही बात है, इसको उठा के इधर ले आइए जीरो, इसको उठा के इधर ले आइए जीरो। फिर वही a1 / a2 बताइए, ये हो जाएगा कितना 3/2। b1 / b2 बताइए, ये हो जाएगा 2/3 माइनस में। अब इसलिए ये दोनों उल्टा है, डायरेक्ट बोलेंगे कौन सा सोलूशन है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सोलूशन है भाई, ठीक है। डायरेक्ट ही खटखट बनता है, यहाँ देखो ना a1 / a2 ≠ b1 / b2 यूनिक सोलूशन है। c1 / c2 पे कब जाते हैं, जब ये दोनों बराबर होता है तब जाते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट हो गया पांचों क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है चार नंबर, और चार नंबर क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच है, छठवा नंबर भी, बस दो क्वेश्चन है। चार में क्वेश्चन में देख रहा हूँ कितने क्वेश्चंस हैं, तीन क्वेश्चंस हैं, और पांचवा में भी पांच है एक नंबर, और अच्छा पाँचा वर्ड प्रॉब्लम है, और छः में भी ठीक ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अच्छा ग्राफिकली बात है तो चलो ग्राफिकली भी बना के देख लेते हैं, इसको मिटा दें, चलो ठीक है। कंसिस्टेंट भैया बस दो ही बात पे, यूनिक और इन्फिनाइट, इनकंसिस्टेंट है तो निकाल के नहीं देखना है हमको। ओके आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये बोला है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर भाई x + y = 5 और एक दिया है 2x + 2y = 10। बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, कंसिस्टेंट नहीं है तो मत सॉल्व कीजिए। तो ये क्या कंसिस्टेंट है, तो बिल्कुल देखो ये इसका 2 times है, इन्फिनाइट सोल्यूशन देगा, चेक करो ना, देखो इसका 2 times है, डायरेक्ट ही बोलते हैं तो ये इन्फिनाइट देगा, है ना जी। अगर इसमें 2 times करोगे तो एक ही चीज़ देगा, तो एक्चुअली आपको एक ही इक्वेशन प्लॉट करना है, दो तो प्लॉट करना नहीं है क्योंकि ये इसी के जैसा है ना, ठीक है। चेक करो इन्फिनाइट सोल्यूशन है कि नहीं, देखो ना ये 1/2 आएगा, ये 1/2, b1 / b2 भी कितना आएगा 1/2 आएगा, 1/2, 1/2, c1 / c2 भी कितना आएगा 5/10 यानी 1/2। तो ये इन्फिनाइट सोल्यूशन है, ये दोनों एक ही चीज है, डायरेक्ट एक ही को सॉल्व कर लीजिए या प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। देखो ग्राफिकली प्लॉट करना है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओगे छोटा सा में ही हो जाएगा, एक्स और वाई यहाँ ले लो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 चलो बॉक्स बना लो। दो कोऑर्डिनेट काफ़ी है, यहाँ देखो एक्स को 0 रखो, वाई कितना आएगा 5, y को 0 रखो x आएगा 5, बस दो ही से काम चल जाएगा। एक है 0, 5 यहाँ आ जाएगा, सॉरी 0, 5 यहाँ आ जाएगा, और 5, 0 है, 5, 0 यहाँ आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, ये मेरा लाइन आ गया x + y = 5। अब इस पॉइंट, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है सब के सब आंसर हैं, इसे आप चेक करो 3 पे ढूंढो, 3 पे कितना मिल रहा है, अब 3 पे रख के देखो, 3 रखोगे x तो y कितना आएगा 2 आएगा, 3 पे अब चेक करोगे ये 2 आएगा, तो एक आंसर कितना हो गया 3, 2। अब 2 रखोगे तो 2 पे देखो 3 आएगा, ये कितना हो गया 2, 3। तो ऐसे ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है, निकाल दिया, ठीक है, समझ में आया। पहले देख रहे हैं इन्फिनाइट सोल्यूशन है यानी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है उसको प्लॉट कर दिया, हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन देगा, कोई भी एक पॉइंट या दो पॉइंट ले लो ग्राफिकली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए दूसरा। x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है जी, पहली बात तो इसको उठा के इधर ले आइए माइनस 8, इसको उठा के इधर ले आइए माइनस 16। अब बताइए क्या देखें, 1/3 a1 by a2 1/3, b1 by b2 कितना है माइनस 1/3, माइनस और माइनस 3 यानी माइनस 1/3, चेक करो ना माइनस माइनस कट गया। c1 by c2 कितना है माइनस 8/-16 यानी ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये है मेरा a1 by a2, ये है b1 by b2, ये है c1 by c2। a1 by a2, b1 by b2 बराबर है, c1 by c2 बराबर नहीं है, यानी ये नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता है, तो इसको सॉल्व ही नहीं करना है, ग्राफिकली भी नहीं करना है और ऐसे भी नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2x plus y माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर भाई देखते हैं सोल्यूशन। a1 by a2 कितना है बेटा, 2/4 यानी 1/2। b1 by b2 कितना है, ये 1/-2। देखो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, a1 by a2 not equal to b1 by b2, यानी ये निश्चित रूप से कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन देगा। c1 by c2 पर जाके फायदा क्या, जब यहीं पर देख रहे हैं कि a1 by a2 not equal to b1 by b2 है, तो ये कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट देगा। इसको ग्राफिकली प्लॉट करके आंसर निकाला जा सकता है। चले निकालें, चलो ठीक है। जब भी कुछ लिखना हो यू शुड पॉज द वीडियो एंड देन नोट इट डाउन। ओके, आइए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1, -2, -3, -4 -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये जीरो है यहाँ पे। ओके, आइए पहले डब्बा में आ जाए। वही दो कोऑर्डिनेट ही का जरूरत है, बस ध्यान से दो कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ना तो आपका सही सही रहेगा। देखो डायरेक्ट बोलें एक्स जीरो वाई बताओ, 0 + y - 6 इजकल टू 0 यानी y इजकल टू +6 यानी 0 पे 6 आ रहा है। अब y जीरो करो यानी आ जाएगा 2x + 0 - 6 इजकल टू 0 यानी आ जाएगा यहाँ से 2x = 6 और ये आ जाएगा 3 यानी 3 खत्म, यानी 0, 6, 3, 0। 0, 6 कहाँ है, यहाँ पर 0, 6 है, और 3, 0 कहाँ है, यहाँ पर 3, 0 है। ये रहा, खींच दो। ठीक है, ये दिस इज द लाइन, थोड़ा टेढ़ा बना है, ठीक है थोड़ा एडजस्ट करो क्योंकि ये स्केल विंग पे नहीं है तो थोड़ा सा भटक जाएगा। ठीक है, ये आया कितना, ये आ गया इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0 का। चलो इसका तो हो गया, चलो लिखना है डब्बा, लिख लो ये डब्बा। चलो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये वाला, इसका डब्बा बनाइए। x को 0 करो, देखो 0 करते हैं यहाँ पे, 0 - 2y - 4 = 0
तो जाएगा माइनस टू वाई इजकल टू फोर, तो वाई इजकल टू कितना आ गया माइनस टू, यानी वाई माइनस टू है। एक्स को जीरो कर दिया, वाई को जीरो करते हैं, वाई को जीरो कर दीजिए आप। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर वाई जीरो चलेगा तो ये आ गया फोर एक्स माइनस फोर इजकल टू जीरो, यानी वाई एक्स इजकल कितना आ गया फोर बाई फोर, यानी वन, यानी दो क्वार्टर आ गया, उसी से काम चला लेंगे। जीरो टू यानी जीरो माइनस टू, यानी यहाँ पर जीरो माइनस टू, और वन जीरो यानी वन जीरो यहाँ पर। ये दोनों को अच्छा से मिला लीजिए, हो जाएगा। ये हो गया लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इजकल टू जीरो, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखो यहाँ पर है, ये लगभग लगभग कितना है 2 है और 4 है, चेक कर लो 2 4 सेटिस्फाई करता है, देख लेते हैं। 2 इंटू टू प्लस फोर माइनस सिक्स जीरो आएगा, 4 माइनस फोर, 4 प्लस फोर एट, एक मिनट देख लेता हूँ। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, 2 टू जा 4, हाँ आ जाएगा 4 प्लस सॉरी 4 प्लस 4 आ जाएगा 8, शायद यहाँ पर 1 है 2 नहीं है, एक मिनट में चेक कर लूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं सर 1 है कि 2 है पता नहीं चल रहा है। वाई तो 4 दिख रहा है, वाई 4 है तो 4 माइनस सिक्स, 4 माइनस सिक्स इज माइनस टू, यानी 1, अच्छा 1 आ रहा है, 1.4 होगा, ठीक है 1.4 सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू 1 माइनस प्लस 4 माइनस सिक्स, देखो ये जीरो आएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0, यहाँ भी देखो 1 रखो तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 4 रखो तो 8 आ जाएगा, और माइनस 8 देख लो चेक कर लो, ये आ जाएगा कितना है माइनस 4 प्लस 4, नहीं आ रहा है। इसको तो ना सॉल्व करके देखता हूँ क्या आता है, एक मिनट ठहर जाओ। इसको 2 टाइम्स गुना कर देता हूँ, 4x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू जीरो, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ ना, माइनस प्लस प्लस, तो यह कितना 4y इक्वल टू 4y माइनस 8 इजकल टू जीरो, यानी 4y इजकल टू 8, 4 टू जाए 8, तो वाई तो 2 आ रहा है यहाँ पे, अच्छा कोई नहीं देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ग्राफिकली यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये लाइन जो थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए था, चेक कर लेता हूँ मैं, चलो यहीं पर चेक कर लेता हूँ मैं। इसका लाइन है 6, 6.0, ये था ना, तो 6.0 है यहाँ पे, ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 3.0, तो 3 है तो 3 टू जा 6 माइनस 6 आ रहा है, ये तो सही है। इसका देखें 0.2, 0 माइनस 2 यानी आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। फिर 1.0, 1 4 माइनस 4 0, ठीक है ठीक है ठीक है। आप देख लेना यहाँ पर कौन सा पॉइंट इंटरसेक्शन का है, वही आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं और ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म फाइनली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इजकल टू 0, और एक है 4x माइनस 4y माइनस 5 इजकल टू 0। पहले तो चेक कर लीजिए व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट इज गिविंग, दिस इज 2/4, दिस इज माइनस 2/-4, एंड दिस इज -2/-5। डायरेक्ट लिख दिया a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये आ जाएगा हाफ, ये कट के आ जाएगा 1/2,
और ये आ जाएगा 2/5। लिख देता हूँ मैं, a1/a2 है बेटा, ये आपका b1/b2 है और ये आपका c1/c2 है। चेक करो, a1/a2, b1/b2 तो बराबर है, c1/c2 बराबर ही नहीं है। चेक करो, हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ 2/5 है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर ही नहीं है। तो ये सोल्यूशन देगा इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट देगा, तो फिर ये ऐसे ही रहेगा, मतलब इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब पैरेलल सोल्यूशन देगा। ठीक है, चलो दो क्वेश्चन और है, एक है वर्ड प्रॉब्लम और एक है आपका डायरेक्ट। ठीक है जी, चलो वर्ड प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम आपका वीडियो के बीच में भी चलेगा और आपको यहाँ पर बुक को रिफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखने के लिए मतलब। देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब बोला क्या है, मैं समझा दूं कि भाई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इस रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ मान लो x शुरू में और ब्रेथ मान लो y, मान लिए। फिर बोला है कि क्या, कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर पहले होगा कितना, पेरीमीटर होगा 2 × l + b, यानी कि 2 × x + y। तो बोला है भाई क्या, कि बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ। मतलब बोला है कि लेंथ जो है वो 4 मोर देन इट्स ब्रेथ है। तो लेंथ को अगर मैं मान लूं, ब्रेथ को माना क्या, y माना है, और लेंथ को क्या माना, x माना है। तो यहां से तक इक्वेशन आ गया भाई कि x − y = 4। फिर से लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, विथ को ब्रेथ भी बोलते हैं, 4 मोर मतलब प्लस, ब्रेथ मतलब विथ मतलब ब्रेथ। तो l की जगह x रखे, b की जगह y रखे, इधर आ गया तो x − y = 4। तो ये तो भाई मेरा पहला इक्वेशन आ गया। अब इसी की मदद से आप यहां भी कर देंगे कि पेरीमीटर का हाफ, फिर से पढ़ेंगे, हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ यानी हाफ इंटू 2 × l + b। हाफ द पेरीमीटर कितने के बराबर है, 36 के बराबर है। 36 के बराबर कब है बेटा, जब l की जगह रखेंगे आप x और y की जगह रखेंगे, या b की जगह रखेंगे y + 4 + y। रख दीजिए यहाँ पे, देखो 2 × l की जगह रखेंगे आप x, b की जगह रखेंगे सॉरी 4 मोर देन है ना, l की जगह आप रख दीजिए y + 4 और b की जगह रख दीजिए y। अब ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा 4 + 2y = 36। तो 2y = कितना हो गया, 36 में से 4 गया तो 32, और 2 से कितनी बार में कटेगा बेटा, 16 बार में कटेगा। फिर x कितना आएगा, तो यहाँ से देख लो x कितना आएगा, 4 + 16 = 20। चेक कर लो खुद, 20 और 16 का डिफरेंस ही 4 आता है, सही है। ठीक है, इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, यही है। ओके, हाँ 4 और 16। ठीक है, तो ये ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, बस यू हैव टू सॉल्व दिस बाय एनी मेथड। हम लोग ने क्या लगाया यहाँ पर बताओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। ठीक है, देखो ना, वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और यहाँ से आ गया। ठीक है जी, तो इतना ही है, इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट है, उसको देख लेता हूँ, चलो मिटाएं। ओके ओके, ये दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, मिटा रहा हूं। आवर लास्ट क्वेश्चन इज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0,
write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair formed is intersecting line, parallel line and coincident line. Very good question. ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है बेटा कि एक इक्वेशन दे दिया मैं आपको, एक इक्वेशन दे दिया 2x plus 3y minus 8 equal to 0. अब बोला यहाँ पर कि आप अपने मन से ऐसा तीन इक्वेशन बनाइए. पहले देखो, आप अपने मन से ऐसा अनदर इक्वेशन बनाइए यहाँ पे कि जिसको जिसका सोल्यूशन यूनिक दे. मतलब आपको दूसरा इक्वेशन अपने मन से बनाना है जिसका सोल्यूशन क्या दे, यूनिक दे. फिर बोला आपको ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसका सोल्यूशन इन्फिनाइट दे, और फिर आपको ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसका एक सोल्यूशन नो सोल्यूशन, मतलब जिसका नो सोल्यूशन आए. तो ये तो भाई अपने मन से लिखना है. तो आप अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग बच्चे का अलग अलग आंसर आएगा. सिंपल मेरा यह है कि आपको यूनिक सोल्यूशन बनाना है मान लो. तो भाई ये तो ए वन है टू, बी वन है थ्री, सी वन पर तो खैर जानना भी नहीं है. तो ए वन अगर टू है तो ए टू भी, ए टू कितना होना चाहिए, ए टू कुछ होना चाहिए ऐसा कि अलग अलग हो. आप देख लो कुछ भी ले लो अपने मन से, आप ले लो ए टू की जगह ले लो यहाँ पर फोर ले लो, अपने मन से ले लिया हूँ. बी टू की जगह कुछ ले लो सिक्स ले लो एट ले लो चलो, या ऐसा ले लो मान लो नाइन ले लो चलो. ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा वन बाई टू, और ये कितना आ जाएगा वन बाई थ्री. यानी यहाँ से मैं बोल दूँ कि ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू. ये अपने मन से लिए हैं ए टू बी टू फोर और नाइन, यहाँ भी वही बनाएंगे फोर एक्स प्लस नाइन वाई. अच्छा सी थ्री भी अपने मन से लेने बोला है, चलो सी थ्री भी ले लें अपने मन से. तो सी वन बाई सी टू कितना आ जाएगा, ये बी वन है सॉरी ये बी टू है. C1 वन बाई सी टू अपने मन से ले लो, C1 तो ए एन एस एट है. अगर यूनिक बनाना है तो फिर तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मन से कुछ भी ले लो उससे कोई दिक्कत नहीं है. सेवन ले लो चलो, ठीक है तो प्लस सेवन खत्म. जब भी सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा. हो सकता है मैंने सेट करके नहीं लिया, हो सकता है आपका डेसिमल में है फ्रैक्शन में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हाँ सोल्यूशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसी तरह से मैंने आप सॉल्व करके देख भी सकते हो. ये अगर एग्जांपल लेके चलोगे सॉल्व करोगे आंसर आएगा. तो ये तो हो गया यूनिक, अब इसको नोट कर लो. अब इसी में मैं इसको पूरा मिटा दूं. इसी में बोला है कि एक एग्जांपल ऐसा लीजिए कि इनफिनाइट दे. इनफिनाइट का तो बहुत आसान है, आप कुछ इसमें मल्टीप्लाई कर लो एक नंबर से. मान लो थ्री मल्टीप्लाई कर लिए, थ्री टाइम्स करोगे तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर खत्म. अब खुद देखो हमेशा क्या आएगा, टू बाई सिक्स थ्री बाई नाइन माइनस एट बाई ट्वेंटी फोर, सब के सब बराबर है. चेक कर लो, चेक करा दें थ्री आएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो यहाँ भी थ्री आएगा, यहाँ पे सॉरी माइनस है ना, माइनस 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 कट गया, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर. हमेशा देखो ये बराबर इक्वेशन है. अलग अलग बच्चा अपने मन से मल्टीप्लाई कर दे, कोई बच्चा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा माइनस वन से, कोई टू से, कोई थ्री से, कोई हाफ से, सब सही है. ठीक है, तो ये क्या देगा, ये देगा आपका इनफिनाइट सोल्यूशन देगा. हो गया, इनफिनाइट सोल्यूशन देगा. अगला देखें नो सोल्यूशन का. नो सोल्यूशन का भी बेटा बहुत आसान है. नो सोल्यूशन में ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू तो बराबर रहना चाहिए. तो भाई ये तो बराबर रखना है. तो मान लो मैं कुछ ले लूँ अपने मन से, चलो ले लूँ टू टाइम्स गुना कर दूँ फोर एक्स और प्लस सिक्स वाई. तो यहाँ तो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू बराबर आएगा, सी वन बाई सी टू बराबर नहीं आना चाहिए. तो अपने मन से कुछ ले लो, सेवन ले लो नाइन ले लो कुछ ले लो. ठीक है, चेक कर लो यहाँ पर कि क्या ये बराबर है. ये दोनों तो बराबर है, टू बाई फोर है थ्री बाई सिक्स है, ये तो बराबर है. चेक करो ना, ये वन बाई टू यानी वन बाई टू, ये वन बाई टू, ये भी, ये दोनों बराबर है. लेकिन माइनस नाइन बाई एट कहाँ बराबर है, नॉट इक्वल टू है. तो ये क्या देगा, ये देगा नो सोल्यूशन देगा. तो ये अपने मन से मैंने लिया है, अलग बच्चा अलग अलग बच्चा अपने मन से ले सकता है. ठीक है, तो इतना ही है आपका पूरा 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया. 3.2 का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आप खुद से बनाओगे. मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो ग्राफिकल मैटर है. ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, वो खुद से बना लेना.
ठीक है, एक ही क्वेश्चन ग्राफ का है, ड्रॉ द ग्राफ है और रीजन ट्रायंगुलर रीजन का आंसर बताना है, एरिया बताना है, वो तो आप खुद से करोगे, ठीक है। तो ये पूरा 3.2 एक्सरसाइज आपका खत्म, तो 1 से लेके 2, 3, 4 तक खत्म हो गया है। एक्सरसाइज 3.5, 3.6 और 3.7 लाना है। तो उसमें आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और फिर वर्ड प्रॉब्लम है, एक एक करके उसको भी देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।